आज का जो आर्टिकल है वो हिंदू से लिया गया है और इस आर्टिकल को एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा है, तमिलनाडु कैडर के हैं वो। कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड है आर्टिकल, आज का जो आर्टिकल है वो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड है। कस्टोडियल डेथ क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कस्टोडियल डेथ का मतलब ये होता है कि किसी भी आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है और पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती हो, या जुडिशियल कस्टडी में जब ट्रायल उस पर चल रहा है या जब सेंटेंस वो सर्व कर रहा है, जो उसको सजा मिली है उसमें, उस दौरान उसकी डेथ हो जाए तो उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर में उसका मतलब डेथ हो रहा हो, या जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी का मतलब कि अंडर ट्रायल, जब उस पर ट्रायल चल रहा हो या जब वो सेंटेंस को सर्व कर रहा हो तब उसकी डेथ हो जाए, उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उस आईपीएस ऑफिसर ने एक डेटा शेयर किया है जिसमें पुलिस की ब्रूटालिटी और उसका कस्टोडियल वायलेंस निकल के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है 2001 से लेके 2018 तक, 2001 से लेके 2018 तक टोटल कस्टोडियल डेथ 1727 हुआ था और इसमें मात्र 26 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया था। मतलब डेटा बहुत कम है, आप समझिए 1727 लोगों की डेथ हुई है कस्टोडियल डेथ और उसमें मात्र 26 लोगों को कन्विक्ट करार दिया गया है, जो बहुत कम है। ये मामला आया क्यों है सामने, क्योंकि तमिलनाडु में फिर से कोई कस्टोडियल डेथ हुई है, इसी वजह से इस मामले को हाईलाइट किया गया है। अब गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय ऑलरेडी कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, आर्टिकल 20 सेक्शन 3, जो ये बात कहता है कि कोई भी कन्विक्ट अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता है, मतलब उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि अपने अगेंस्ट में वो विटनेस बन सके। दूसरी बात, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। तो ये आर्टिकल 20 सेक्शन 3 और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, इसके तहत सरकार ने मतलब लेजिस्लेचर ने, या आप यूं कहें कि जुडिशियरी ने, ये पूरा का पूरा अथॉरिटी दिया है कि हम बच सकें कस्टोडियल डेथ से। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि देखो, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एडवांस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक डिफरेंस है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस टॉर्चर करना चालू कर देती है, और कहते हैं ना कि हिंदी में भी हमारे यहाँ कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और पुलिस जब मारने लगती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। कुछ इस तरीके के तर्ज पे जब पुलिस वाले को कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट करने लगते हैं, जो भी कन्विक्ट होता है, जो अपराधी होता है उसके ऊपर, कि वो अपने से कुछ बोल दे। कभी कभी ऐसा होता है कि डर से भी कुछ बोल दे। हालांकि आपको एक आर्टिकल में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि बिना एक थप्पड़ मारे हुए उस अपराधी को और पूरी की पूरी बात आप जान लें, यही प्रॉपर और स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। आप किसी को मार के, डरा के, धमका के आप नहीं प्रूफ कर सकते हैं। कभी कभी तो लोग डर से भी कह देते हैं कि भाई बोल देंगे तो मारेगा कम। लेकिन जो एडवांस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो डेवलप्ड कंट्रीज में है, वो लोग साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। इसी की बात इस आर्टिकल में की गई है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये समझ गए तो आर्टिकल खत्म हो जाएगा। एडवांस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कंट्री है वो साइंटिफिक टेक्निक को यूज करते हैं। अब साइंटिफिक टेक्निक, हालांकि गवर्नमेंट इंडिया में भी बहुत ज्यादा पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, टाइम दिया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं उनके ऊपर, इसके बावजूद ये अक्सर देखा जाता है कि वो वायलेंट एक्टिविटीज को अख्तियार करते हैं। तो साइंटिफिक टेक्निक में क्या होता है, वही उसी के बारे में राइटर ने लिखा है, जिसमें पहला है कि बॉडी कैमरा जो इंटरोगेटर होता है ना, जो मतलब इंटरोगेट करता है, जो पूछताछ करता है अपराधी से, उसके शरीर में कोई बॉडी कैमरा लगा दो तो इससे पता चल जाएगा कि वो कोई वायलेंट एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो मारते हैं और कहते हैं कि हम नहीं किए। तो इंटरोगेटर के शरीर में कहीं पे कोई कैमरा फिट कर दो, इससे पता चल जाएगा कि उसने किस तरीके से इंक्वायरी करी है और उसी हिसाब से उसका हिसाब किया जाएगा। इसके साथ डीडीटी की बात की जा रही है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। इसमें तीन चीजें आती हैं, इसी को ध्यान से समझिएगा, यही मूल आर्टिकल का मतलब कहें कि सोल है, ये आर्टिकल की आत्मा है।
रिसेप्शन डिटेक्शन सेंटर में तीन चीजों की बात की गई है, एक पोलीग्राफी की बात की गई है, एक नार्को टेस्ट की बात की गई है, एक माइंड मैप ब्रेन मैपिंग की बात की गई है। इन तीनों को हम ध्यान से समझते हैं। पोलीग्राफी क्या होता है? पोलीग्राफी को हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग कि हमारा पल्स रेट देखेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर देखेंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, हमारी हार्ट बीट देखेंगे, हमारा ब्रीदिंग रेट देखेंगे, ये नॉर्मल चीजें देखेंगे वो। और उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन, नाम क्या है आपका, कहाँ से है, ये सब चीजें। और उस समय ये सब चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से। उसके बाद वो मेन मुद्दे पे आएंगे, जो अपराध से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको पूछेंगे, और उसके बाद फिर से नोट करेंगे कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर क्या है, इस बंदे का पल्स रेट क्या है, इस बंदे का ब्रीदिंग रेट क्या है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और उसमें कहीं पे भी कोई चेंजिंग आएगा तो इस तरीके से वो अपराधी को पकड़ लेते हैं। हालांकि ये टेस्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अपराधी जो बहुत चालाक होता है ना, वो बहुत इजिली मतलब मेडिटेशन वगैरह करके वो मतलब अपने माइंड को कूल करके और नॉर्मल तरीके से बता देते हैं, तो इससे कभी कभी रिजल्ट नहीं भी आता। नार्को टेस्ट की बात करें तो इसमें एक डॉक्टर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, इनके सामने नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें या तो वो मेडिसिन देते हैं या कोई इंजेक्शन दे देते हैं। मेडिसिन का नाम तो नहीं लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, तो मेडिसिन का नाम है ट्रुथ ड्रग। जो मेडिसिन दिया जाता है वो ट्रुथ ड्रग है, और जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको सोडियम एमाइटल कहते हैं। ये दोनों चीजें, मान लीजिए आपको मेडिसिन दे दिया गया या फिर इंजेक्शन दे दिया गया, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से बेहोश भी नहीं करेगा और प्रॉपर तरीके से आप होश में भी नहीं रहेंगे। मतलब कि आप वो बीच वाली जो स्थिति है ना, उस तरीके से आप हो जाएंगे, और उसमें आदमी बहुत ज्यादा लॉजिकली दिमाग नहीं लगा पाता है। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलने के लिए ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, सच बोलने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इनका ये मानना है कि उसकी लॉजिकल रीजनिंग जब खत्म हो जाती है तो जो प्रॉपर चीजें हैं वो बता देगा, मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा चीजों को। हालांकि इसमें भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉबैक ये है कि ये पहले देखा जाता है उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, उनको कोई बीमारी है कि नहीं, मतलब किसी पे नहीं कर सकते हो आप। और नार्को टेस्ट ज्यादा आपने कर दिया तो बंदा कोमा में भी चला जाता है, और कम किया तो उस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो बहुत माइन्यूट तरीके से इसको करने की जरूरत होती है। ब्रेन मैपिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर से कनेक्टेड एक हेलमेट होता है, वो आपको पहना दिया जाता है आपके आपके सिर में। जैसे बाइक चलाते हो आप हेलमेट पहनते हो, तो उसी तरीके से आपको कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, उस हेलमेट को पहना दिया जाता है। और वो हेलमेट जो है ना, वो उस हेलमेट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेंसर भी लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी लगा रहता है, और वो आपके ब्रेन की चीजों को स्टडी करता है। इसमें भी वही करते हैं जो पोलीग्राफी टेस्ट में करते हैं, कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद उस घटना से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं, और उसके बाद उसका रिएक्शन देखा जाता है, और उस हिसाब से बता दिया जाता है कि ये कातिल है या नहीं है। हालांकि ब्रेन मैपिंग में कुछ और भी चीजें होती हैं, पुलिस जान के भी कोई गलत कहानी बना लेती है। जैसे अरुषि वाले मामले में हुआ था कि उसमें पुलिस ने बोला था कि वो जो हेमराज था उसके नौकर का नाम था शायद, तो उसी ने मारा है। एक्चुअली शायद उसने नहीं मारा था, लेकिन पुलिस वाले जान के गलत कहानी बनाते हैं ताकि गलत कहानी जब उनको बताया जाए तो वो सही कहानी बता दें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसे हुआ। तो ये उनकी अपनी टेक्निक है। हालांकि इसमें एक केस आया था 2010 में, सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि ये तीनों टेक्निक जो अभी मैंने बताया है आपको, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, जिसमें पोलीग्राफी भी आता है, जिसमें नार्को टेस्ट आता है, जिसमें ब्रेन मैपिंग आता है, ये सब एडमिसिबल नहीं है। मतलब इसको प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जाएगा इस केस के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। हाँ, लेकिन यदि किसी पर्सन को पहले आप बता देते हो कि तुम्हारा पोलीग्राफी टेस्ट हम करेंगे या नार्को टेस्ट करेंगे या ब्रेन मैपिंग करेंगे, और उस इस जिस पर्सन को बता रहे हैं वो पर्सन यदि इस बात पे एग्री कर जाता है कि ठीक है तुम पोलीग्राफी टेस्ट कर लो या नार्को टेस्ट कर लो या ब्रेन मैपिंग कर लो, तो इसको एविडेंस माना जाएगा। यदि वो एग्री नहीं होता है तो आप उसके विल के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2010 के जजमेंट में, सेली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
अब इसके बाद राइटर बोलते हैं कि एक टेक्निक और हो सकता है कि रोबोट का यूज करो आप, रोबोट में कुछ ऐसे एल्गोरिथम फिट कर दिया जाए जिससे, पुलिस वाले क्या करते हैं भाई, फ्लैटरी लैंग्वेज यूज करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, मतलब बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करेंगे, आपको बहुत ज्यादा, मतलब फ्लैटरी लैंग्वेज का मतलब कि बहुत ज्यादा आपको खुश करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो इससे ऐसा होता है कि वो बता देता है अपराधी, हो सकता है कभी शेम की वजह से बता देता है उसको, बहुत मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम किए हुए, इस तरीके से उस पर भी बता देता है, कभी डराया धमकाया भी जाता है, कभी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट किया जाता है। तो इस तरीके से राइटर ये बताते हैं कि रोबोट ज्यादा अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो भी बाइस्ड हो सकता है, रोबोट भी कैसे बाइस्ड हो सकता है, मान लीजिए एल्गोरिथम आपने गलत डाल दिया या आपने ये डाल दिया कि माइनॉरिटी के प्रति ज्यादा वो बाइस्ड हो गया, तब तो फिर रिजल्ट कंक्लूजन उसका गलत आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने एक अवतार डिस्कवर किया है, रोबोट अवतार का फुल फॉर्म होता है द ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रूथ असेसमेंट इन रियल टाइम। कनाडा ने इसका टेस्ट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो राइटर बोलते हैं कि इसका यूज किया जा सकता है, बट यस सबके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है, वो ह्यूमन इमोशन को ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया है, मशीन लैंग्वेज को किसने बनाया है, ह्यूमन ने ही बनाया है, तो इसका भी मिसयूज होने के चांसेस हैं। लॉ कमीशन ने 2003 में एक बात कही थी कि पुलिस को ही जिम्मेदार, पुलिस को ये प्रूफ करने दिया जाए, पुलिस को ही इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपने किसी तरीके से टॉर्चर नहीं किया है उस विक्टिम को जिसको आपने अरेस्ट किया है। यदि पुलिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना, तो पुलिस सच में टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस को पता है कि हमको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने टॉर्चर नहीं किया है। तो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें इन्होंने 1997 में जजमेंट आया था, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि यदि कोई भी ऑफिसर स्ट्रिक्ट एक्स, मतलब अपराधी के साथ कोई वायलेंट एक्टिविटीज करता है और कस्टोडियल डेथ के जैसी कंडीशन आती है, थर्ड डिग्री यदि देने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एक और सजेशन लास्ट में राइटर देते हैं कि ड्राफ्ट बिल ऑन द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर 2017, अभी ये पास नहीं हुआ है इसलिए इसको बिल कहा गया है, ड्राफ्ट बिल ऑन द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर, इसको इमीडिएटली पास कराया जाए, तो हो सकता है कि एक हम अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कस्टोडियल डेथ जो 1727 2002 से लेके शायद 2001 से लेके 2018 तक 1727 जो हमारा आंकड़ा है उसको हम कम कर सकेंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।